चैप्टर टू हम पढ़े थे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमने अभी तक डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स को देखा था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले वाटर को डिस्कस किया और फिर उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को देखा, उनके स्ट्रक्चर्स देखे, उनके फंक्शंस देखे, उनकी क्लासिफिकेशंस देखी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है उनके बारे में कहा जाता है कि प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन सेल। सबसे ज़्यादा जो एक सेल के अंदर कुछ पाया जाए या कुछ प्रेजेंट हो उसे हम प्रोटीन कहते हैं। हम अगर हम अपने पूरे वेट को देखें, अपने बॉडी के वेट को या अपने सेल के वेट को, उसके अंदर से अगर हम वाटर कॉन्टेंट अलग कर दें तो जो ड्राई वेट बच जाता है उसमें से 50% जो है वो हमारे पास 50% प्रोटीन्स आ जाते हैं। ये प्रोटीन्स हमारे सेल के अंदर डिफरेंट तरह की पार्ट्स में पाए जाते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं। तो वो क्या क्या फॉर्म्स हैं, किस किस तरह से प्रोटीन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं, उसको हम एक एक करके अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखते जाएंगे। सबसे पहले हम फंक्शंस देख लेते हैं प्रोटीन्स के। हमारे बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है, हमें क्या फ़ायदा होता है प्रोटीन्स की प्रेजेंस का। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में कहा जाता है कि प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे बॉडी के तकरीबन हर फंक्शन, हर ऑर्गन में, हर ऑर्गन सिस्टम के अंदर काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो पहला फंक्शन इसी निस्बत से हम देख लेते हैं, पहला जो प्रोटीन का फंक्शन हम देखते हैं, हम कहते हैं प्रोटीन जो है वो सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। दे बिल्ड स्ट्रक्चर्स इन सेल। सेल में हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं और वो जो ऑर्गेनेलीज है उनका स्ट्रक्चर बनाने में प्रोटीन काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सेल वॉल की बात करें, सॉरी सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर, जहां हमने बात की लिपिड्स के प्रेजेंट होने की, इसी तरह वहाँ पर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन्स इनके स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट जो प्रोटीन का फंक्शन हम देखेंगे, प्रोटीन जो है वो डिफरेंट तरह के एंजाइम्स में प्रेजेंट होते हैं। इनफैक्ट जो एंजाइम्स होते हैं, ऑल एंजाइम्स दे आर प्रोटीन्स। जितने भी एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन्स होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन से मिलके बना होता है। और एंजाइम का क्या काम होता है, एंजाइम का काम हमारे बॉडी के अंदर ये होता है कि वो डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देता है, उनकी स्पीड इंक्रीज कर देता है और रिएक्शन को एफिशिएंट बना देता है। एंजाइम के ऊपर हमारा नेक्स्ट अपने आने वाले चैप्टर में एक पूरा का पूरा चैप्टर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि एंजाइम्स होते क्या हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो उन एंजाइम्स को हम अभी देख लेते हैं कि एंजाइम्स के जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन से मिलके बना होता है और इनके बगैर हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो काम नहीं करता। और यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है कि हम कहते हैं कि जितने भी एंजाइम्स हैं दे बेसिकली कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ आर बॉडी, दे कंट्रोल होल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने आपको अपने लास्ट टॉपिक्स में बताया भी था कि मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। तो जो एंजाइम्स हैं वो बेसिकली उन तमाम केमिकल रिएक्शंस को, उन तमाम प्रोसेसेस को, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट कर रहे, कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स के बारे में भी आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। हार्मोन्स क्या करते हैं, हार्मोन्स जितने भी हैं वो प्रोटीन्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एक्सेप्शंस। हार्मोन्स का काम ही होता है कि हार्मोन्स हमारे डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। हार्मोन्स की प्रेजेंस या एब्सेंस ये डिटरमिन करती है कि बॉडी ने किस तरह से, किन किन सब सर्कमस्टांसिस में कैसे कैसे बिहेव करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे बॉडी के अंदर, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर एक्स वाई जी कोई हार्मोन है, अगर वो प्रेजेंट होगा तो हमारे बॉडी में ये होगा, और अगर ये एंजाइम नहीं होगा, कोई पी क्यू आर एंजाइम है, लेट सपोज कोई भी एंजाइम है,
वो अगर प्रेजेंट होगा तो हमारे बॉडी ने किस तरह से रिएक्ट करना है. तो ये डिफरेंट तरह के हार्मोन्स हैं जो कि डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं. नेक्स्ट जो हम अपना फंक्शन देखते हैं प्रोटीन्स का, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं, एंटीबॉडीज़ के बारे में हमने आपको अपने लास्ट चैप्टर के अंदर भी बताया था. एंटीबॉडीज़ वो केमिकल्स या ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी उन चीज़ों को हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं जो कि किसी भी पैथोजन या बाहर से आने वाले हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को या हार्मफुल केमिकल के अगेंस्ट एक्ट करती हैं. यानी कि एंटीबॉडीज बेसिकली डिफेंड अगेंस्ट पैथोजेंस. अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई जर्म्स एंटर हो गए हैं, जरासीम आ गए हैं, या फिर अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया आ गया है, या छोटे छोटे कुछ और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंटर हो चुके हैं और वो हमें बीमारी कॉज कर सकते हैं, तो क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर उन ऑर्गेनिज्म्स के अगेंस्ट या कोई भी केमिकल जो वो प्रोड्यूस करें उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और वो एंटीबॉडीज हेल्प करती हैं हमारे बॉडी को उन तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ने में और उनको ख़त्म करने में. तो ये एंटीबॉडीज़ का काम होता है. और जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं वो बेसिकली प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं. नेक्स्ट जो इसके बाद हम प्रोटीन्स का फंक्शन देखेंगे, प्रोटीन्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर है वो हम कहते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं वो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्पफुल होते हैं. ब्लड क्लॉटिंग का क्या मतलब है, जब भी हमें कोई इंजरी हो जाती है या अगर हम जख्मी हो गए हैं, हमें कोई कट मार्क लग गया है, कुछ भी हुआ है, तो होता क्या है कि खून निकलने लग जाता है, खून बहने लग जाता है, तो वो खून थोड़ी ही देर में जमने लग जाता है. ये जो जमने का प्रोसेस है इसे हम कहते हैं क्लॉटिंग, खून का जमना. और ये कैसे पॉसिबल है, ये प्रोटीन्स की मदद से पॉसिबल है. हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं फाइब्रिनोजन. और फाइब्रिनोजन का काम ये है कि वह प्रोटीन को हेल्प करता है क्लॉट करने में, जमने में. और अगर ऐसा ना हो, अगर ब्लड क्लॉट नहीं करता तो क्या होगा, ब्लड अगर क्लॉट नहीं करेगा तो ये होगा कि थोड़ी ही देर में ब्लड पूरे बॉडी का ज़ाया भी हो सकता है, पूरे बॉडी का ब्लड निकल के बह सकता है. तो ये फाइब्रिनोजन हेल्प करते हैं उसको जमने में और उसके ऊपर एक वाउंड क्रिएट करने में. वाउंड जिसे हम जख्म कहते हैं, जख्म बन जाता है और वो जो खून है वो जम जाता है ताकि मजीद जो ब्लड है, मजीद जो खून है वो बह ना सके. तो ये प्रोटीन का फंक्शन है. सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उससे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है. वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए है कि हीमोग्लोबिन के बारे में हम जानते हैं. हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये एक कैरियर है. कैरियर का ये मतलब है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है, ये चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है. किसको लेके जाता है, हमने अपनी अर्ली क्लासेस में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. हीमोग्लोबिन का ये काम है कि ये ऑक्सीजन को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को या डिफरेंट तरह के हमारे पास सब्सटेंसेस आ जाते, फूड आ जाते हैं हमारे पास, या फिर हम कहते हैं फूड के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, इसी तरह हमारे पास अगर मेटल आयंस हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं जिनको हीमोग्लोबिन जो है, जो हीमोग्लोबिन का प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो उसको कैरी करता है डिफरेंट सेल्स में और अपनी हमारी इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स में होती है, तो लंग्स की जो ऑक्सीजन है उसको हमारे पूरे बॉडी सेल्स तक लेके जाने का जो काम है वो हीमोग्लोबिन का है, हमारे ब्लड के अंदर क्योंकि प्रेजेंट है. इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब भी सेलुलर रेस्पायरेशन होती है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और पूरे बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके लंग्स तक लेके आने का जो काम है, या फिर हमारे लंग्स से जो बाहर ये एक्सपेल आउट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कौन करवाता है, ये विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन ही प्रेजेंट, विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन ही पॉसिबल होता है. तो ये इसलिए हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है हमारे बॉडी के अंदर.
इसी तरह अपने प्रोटीन्स के नेक्स्ट फंक्शंस पे आते हुए हम देखते हैं, प्रोटीन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमारे फूड का बेसिक पर्पस भी होता है, हम खाना क्यों खाते हैं, हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, तो इसीलिए जितने भी प्रोटीन्स का जब हम इंटेक करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें एनर्जी मिलती है। और प्रोटीन्स को हम कहते हैं कि इट इज़ द थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। तीसरा सोर्स हमारे पास एनर्जी का प्रोटीन, यानी कि सबसे पहले हमने देखा लिपिड जो है वो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं, फिर हमने देखा कार्बोहाइड्रेट सेकेंड नंबर पे, और थर्ड पे हम कहते हैं कि प्रोटीन आ जाते हैं। प्रोटीन्स हमें बहुत एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में, सोने जागने उठने बैठने बोलने हर काम करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए उसमें हमें जो प्रोटीन्स हैं वो भी हेल्पफुल होते हैं। ये थर्ड सोर्स है एनर्जी का। इसके अलावा प्रोटीन्स के और कई डिफरेंट तरह के फंक्शंस हैं हमारे बॉडी के अंदर। एक और हम मज़ीद देख लेते हैं, हमारे डिफरेंट बॉडी के जो मूवमेंट होती है डिफरेंट ऑर्गन्स की या ऑर्गेनेलिस की, तो ये जो मूवमेंट है वो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। जैसे कि अगर हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, सेल डिवीजन के अंदर जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, एक से दो सेल्स बन रहे होते हैं, तो सेल डिवीजन के अंदर एक फेज आता है, आपने पढ़ा भी होगा, एनाफेज, जो कि बोथ माइटोसिस और मियोसिस दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। तो एनाफेज का जो फेज है बेसिकली सेल डिवीजन के अंदर, इसके अंदर जो मूवमेंट हो रही होती है हमारे क्रोमोसोम्स की, वो प्रोटीन्स के थ्रू ही पॉसिबल है। इसी तरह हम प्रोटीन के कुछ और फंक्शंस को देख लेते हैं। प्रोटीन हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के का कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसको बनाने में हेल्पफुल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कभी मकड़ी के जाले पे गौर किया कि मकड़ी का जो जाला, मकड़ी जो अपना जाला बुन रही होती है, स्पाइडर का स्पाइडर वेब जो होता है बेसिकली, वो किस चीज़ से मिलके बना होगा? मकड़ी कोई बाहर से धागे तो इकट्ठे करके नहीं लाती, और ना ही उसके पास कोई सेइंग मशीन है जिसके थ्रू वो अपना पूरा का पूरा जाला बना लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि विद इन डेज, विद इन आवर्स, इनफैक्ट कुछ घंटों में ही वो अपना इतना बड़ा जाला बना लेती है। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो इस तरह से पॉसिबल है कि मकड़ी के बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि उसको प्रोटीन्स, ये जो स्पाइडर वेब है वो प्रोटीन से मिलके बना होता है, और वो स्पाइडर वेब को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। वो स्पाइडर वेब बेसिकली क्या है? वो एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है। इसी तरह अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे जितने भी मसल्स हैं वो प्रोटीन्स हैं। इसी तरह अगर हम अपने बालों की बात करें, हेयर जो है हमारे पूरे बॉडी पे, जितने भी हैं हमारे सर के बाल, हमारे बॉडी के बाल जितने भी हैं, वो सब के सब प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। इस तरह हमारे जो नेल हैं, हमारे जो नाखून हैं, वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। अगर हम कपड़ों की बात करें, सिल्क फाइबर जो होता है हमारे पास, जो कि सिल्क, आपने रेशम का कीड़ा नाम भी सुना होगा, वो रेशम का जो कीड़ा होता है वो सिल्क बेसिकली रेशम बनाता है, उसका धागा, और फिर उससे हम पूरे के पूरे रेशमी कपड़े बना लेते हैं। तो वो जो सिल्क फाइबर है बेसिकली वो भी प्रोटीन स्ट्रक्चर ही होता है।